करो का भाजपा सरकार के 9 साल पूरे आज से महाजनसंपर्क अभियान, देश भर में 51 रैलियां करेगी पार्टी। मणिपुर सीएम के साथ अमित शाह ने की मीटिंग, सेना ने 2000 लोगों को हिंसाग्रस्त इलाके से निकाला। दादा को मंत्री नहीं बनाने पर 7 साल की बच्ची ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, बोली आपने उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया। भारत चीन के रिश्तों में बैलेंस की जरूरत, जयशंकर बोले पिछले 3 सालों में बॉर्डर पर हम बेहद जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी का दावा, एमपी में 150 सीट लाएंगे, कमलनाथ ने कहा सहमत हूं, सीएम शिवराज बोले मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 30 जून तक बीजेपी विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बताया जा रहा है कि 2024 के चुनावों पर नजर रखते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और उन्हें जनता के साथ संपर्क करने के निर्देश दिए थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को एक विशाल रैली के साथ इस संपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। वहीं 31 मई को पीएम मोदी की रैली होगी। जानकारी के मुताबिक चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में रैली आयोजित की जा सकती है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हर लोकसभा क्षेत्र में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। बता दें जनता के विकास पर चर्चा भी होगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम कार्यक्रम होंगे। वहीं आज महाजनसंपर्क अभियान की भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए चुनावी संग्राम छिड़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी से ही भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयारी में है। बता दें आज से भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। संबल में नई संसद के उद्घाटन के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को ही बुलाना चाहिए था। संसद भवन का उद्घाटन करना बहुत ही बड़ा काम था, लेकिन उनको इनवाइट तक नहीं किया गया। संसद में सबकी हिस्सेदारी है, अकेले प्रधानमंत्री की नहीं है। साथ ही महिला पहलवानों को लेकर उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के साथ मुर्दों जैसा व्यवहार करना बहुत ही गलत है। साथ ही उन्होंने सरकार से दरख्वास्त करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ठीक है, जो वो तो नई सांसद तो बन गई, जो कुछ हुआ और अपोजिशन ने इसका बहिष्कार भी किया, तो अपोजिशन का मकसद ये नहीं था कि साहब वो कि उन्हें कोई नफरत है या इस बात से, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति को जब ही उन्होंने इन्वाइट नहीं किया है तो फिर और पब्लिक का तो फिर जिक्र क्या है। बहरहाल हम तो ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, जो भी रहते हैं छोटे बड़े, लेकिन सबकी हिस्सेदारी है इसमें, अकेले प्राइम मिनिस्टर का नहीं हिंदुस्तान। तो इसलिए ईमानदारी से राष्ट्रपति का हक बनता था, उनको बुलाना चाहिए था। तो ये जमहूरियत के, और मैं समझता हूँ कि इसको डेमोक्रेसी के खिलाफ हुआ आज। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को इनवाइट तक नहीं किया ये बातें कही हैं। आगे कहा हिंदुस्तान पर सभी की हिस्सेदारी है, अकेले प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है। दिल्ली के शाहबाद इलाके में रविवार देर शाम नाबालिग साक्षी की हत्या के आरोपी युवक साहिल को दिल्ली पुलिस ने
पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटरेना से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मेडिकल परीक्षण कराने के बाद देर शाम उसे अपने साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गई। बता दें कि दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार देर शाम 16 वर्षीय किशोरी साक्षी की चाकू और पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर सरेराह हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की शिनाख्त साहिल पुत्र सरफराज निवासी जैन कॉलोनी दरवाला दिल्ली के रूप में की थी। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। सोमवार शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम उपनिरीक्षण प्रवीण कुमार और घनश्याम मीणा के नेतृत्व में पहासू थाना क्षेत्र के अटरना पहुंची, जहां आरोपी साहिल की बुआ समीम रहती हैं। पुलिस के मुताबिक पहुंचकर आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसका मेडिकल कराने के बाद अपने साथ दिल्ली लेकर रवाना हो गई। बोल रहा था कि मैं शादी में आया था। मैंने पूछा था भैया इतने लेट कैसे आप 4 बजे सुबह में, कि मैं शादी में आया था तो आपके घर आ गया घूमने। बताया था साहिल ने कि मैंने हत्या की है? जी नहीं। कितने बजे यहाँ पुलिस आई थी? ये करीब 2:30 बजे करीब आई थी दिल्ली पुलिस आई। जी, क्या क्या बरामद किया है आपके यहाँ से? कुछ ही, सिर्फ साहिल को लेके गए यहाँ से। ठीक है, ठीक। ये बुलंदशहर जनपद में थाना पहासू अंतर्गत एक गाँव है, जिसमें उसकी अभियुक्त साहिल की रिश्तेदारी बताई जा रही है। वहाँ से दिल्ली पुलिस, चूँकि 302 में वहाँ से वांटेड था, तो उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और थाना पहासू में उसका दाखिला करने के बाद दिल्ली पुलिस वहाँ से ले गई। सर, लगभग जो साहिल है वो कितनी देर वहाँ पर पहासू में रहा हत्या करने के बाद? पहासू में तो अभी जो हमें जानकारी मिली है, बहुत थोड़े समय के लिए थाने पर आई है, उसकी आमद हुई है, फिर उसके बाद रवानगी करके वहाँ दिल्ली पुलिस उसको ले गई। अटेरना गांव है, एक पहासू थाने में अटेरना गांव है, जहां पे उसकी साहिल की बुआ रहती थी, अपनी बुआ के यहां ही आया था। अब बुलंदशहर से हमारे संवाददाता इकराम हमसे जुड़ चुके हैं। इकराम, साक्षी मर्डर केस में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? ये बुलंदशहर साक्षी के हत्यारा साहिल को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के अटरिया गाँव से किया गिरफ्तार। साक्षी का हत्यारा साहिल कटरना गांव में अपनी बुआ तमीम उर्फ सम्मो के घर वारदात के बाद आकर छुपा था। दिल्ली के दरोगा परवीन और घनश्याम मीणा ने पहासू थाने में दर्ज की थी आमंद। आमंद के बाद खनके के दर शाम 5:15 पर पहासू थाना में दैसाई गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस और पहासू पुलिस कागजात पूरे करने में जुटी है। अपनी बुआ के घर से छुपा था गांव अटरना में कातिल साहिल, बुलंदशहर के थाना पहासू के अटरना गांव का मामला है। जी जी, धन्यवाद इकराम तमाम जानकारियों के लिए। अलीगढ़ में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर के मामले में अब सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर बसपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में जो लाउडस्पीकर वो कोर्ट के द्वारा जो निर्धारित वॉल्यूम है उस वॉल्यूम पर ही बज रहे हैं। जहां तक शहर का माहौल खराब करने की बात है तो अलीगढ़ महानगर में किसी की गुंडई नहीं चलेगी। मैंने उनका बयान सुना और उनका जो बयान है हमेशा तोड़ने वाला बयान होता है, समाज को तोड़ने वाला बयान होता है। जो मस्जिदों पर लाउडस्पीकर हैं वो सरकार और कोर्ट के आदेश से जो निर्धारित वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से बज रहे हैं। जहां तक सवाल है कि शहर का माहौल अगर वो ख़राब करने की बात करती हैं, तो मैं और मेरी बहुजन समाज पार्टी संविधान में और कानून व्यवस्था में विश्वास करती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको और तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अलीगढ़ महानगर क्षेत्र में गुंडई किसी की नहीं चलेगी। कोई आदमी अगर गुंडागर्दी से इस तरह के कामों को करेगा तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ना जानती है और किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को गुंडई नहीं करने दी जाएगी। अलीगढ़ में खुद के साथ हुई मारपीट और मोबाइल छीनने की घटना की शिकायत लेकर पीड़ित एसएसपी दफ्तर पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि तुर्कमान गेट के पास 3 युवकों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी और मोबाइल छीन कर ले गए थे। घटना सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न होने के चलते पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई है।
वहाँ पे कुछ लोग आए, मारपीट गई और फोन छीन ले गए। क्या नाम है उनका जिन्होंने मारपीट किया? मनोज और भोला रोहित। किस बात पे मारपीट की थी? इसी बात को लेकर, मतलब ये कह रहे थे कि अगर तू यहाँ दिखाई दिया गैस सप्लाई करते हुए तो मतलब मारपीट करके फ़ोन छीन के ले गए, और ऊपर से ये कह रहे थे अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिया तो तुझे हाइजन एक्ट लगा देंगे। मारपीट क्यों करते हैं? कोई पुराना विवाद चल रहा है आपसे? नहीं, कोई विवाद नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं। अच्छा, फिर क्यों मारपीट की इन्होंने, जानते नहीं? बस इसी बात को लेकर के मैं गैस देने वहाँ आया था। क्या क्या हुआ आपके साथ फिर? फोन छीन ले गए उसके बाद। अलीगढ़ में दहेज के लिए ससुराल वालों ने नवविवाहिता को बेरहमी से पीटा है, जिसके बाद पीड़िता ने पति सहित ससुराली जनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने इलाका पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वहीं घायल महिला को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। थाना छर्रा क्षेत्र के नगला गुलरिया गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो आप? मैं ग्राम लोधीपुर, पोस्ट डेंगरी, जिला कासगंज। थाना कौन सा पड़ता है आप? थाना हमारा मापुर पड़ता है। अच्छा, ये जो एक महिला घायल है और ये आपकी कौन है? ये मेरी सगी बहन है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, इसके कैसे चोटें आई हैं, क्या है पूरा मामला ये बताएं आप। इसको सर बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, इसको बहुत गंभीर चोटें आई हैं। इस पर गर्दन से, इस पर साड़ी के पल्लू से गर्दन रगड़ी गई है, चाकू से प्रहार किए गए हैं, इसके हाथ पर भी चाकू से प्रहार किए गए हैं, और शरीर पर और मुंह पर लात, घूसों और डंडों से भी प्रहार किए गए हैं। किन लोगों ने ये चोटें? मेरे सास ने, सुनानंद ने, सारे लोगों ने मारी है। तीनों नंद थी और नंदोई भी थे, देवर भी था, सास भी थी, ससुर भी थे, मेरा पति भी था, और इसी हमारे थे। मुझे डंडे से मारा था, मेरी कुंडी अंदर से बंद कर दी थी, कोई बचाने वाला नहीं था। मैं आवाज़ मार रही थी, मत कोई बचा लो बचा लो, कोई नहीं सुन रहा था। एक गांव का एक व्यक्ति सिया आपके साथ मारपीट की थी? दहेज को लेकर के, दहेज लेकर के आया था। कौन आपको परेशान करता है दहेज को लेकर? सारे लोग करते हैं, ससुर बहन है, इनका नाम अर्चना है। अच्छा, ये क्या मामला है और ये कैसे घायल हुई है, क्या है पूरा मामला बताएं। ये शादी के बाद आज दिन तक, मतलब ये मतलब दहेज को लेके ना मारते पीटते रहते हैं हमेशा, और कई बार इनको मतलब हमने छोड़ भी दिया है, और शादी 20 लाख रुपये हमने खर्च किया था, और उसके बाद में जो हमारे बहनोई है वो कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उन्हें घाटा लगा था, तो 7 लाख रुपया शादी के बाद में और दिया था उन्हें, और फिर उसके बाद में फिर और मार पिटाई की इनकी, फिर 6 लाख रुपया और दिया है उन्होंने, कहीं और लिया है कॉन्ट्रैक्ट उसमें। तो उस... ये इनकी शादी कहाँ पे की थी आप? बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार दो लोगों को ट्रक ने रौंदा, जिसमें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। वहीं ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार बताया जा रहा है। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पापड़ के पास की घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।